नमस्कार, लाइफ टाइम स्ट्रीम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मनोज ठाकुर, आप सभी के बीच में एक बड़ी अपडेट इस समय पर लेकर के आए हैं। अपडेट ओपीएस से रिगार्डिंग है, और ओपीएस की यदि हम बात करें तो 13 तारीख को कैबिनेट बैठक हुई थी लोहड़ी वाले दिन। उस दिन ये फैसला लिया गया था कि ओपीएस को लागू कर दिया जाएगा, और साथ में ये भी सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा कहा गया था कि भाई आज शाम तक इसकी अधिसूचना भी जारी हो जाएगी। लेकिन यदि उस दिन की हम बात करें, अधिसूचना जारी नहीं हो पाई। उसके बाद जब उनसे पूछा भी गया, प्रेस बंधुओं ने सवाल भी पूछा, तो उन्होंने कहा कि हमने कैबिनेट में अप्रूवल तो दे दिया है, जल्द ही इसकी अधिसूचना भी जारी हो जाएगी, आपके लिए इसको थोड़ा सा इंतजार करना होगा। तो फाइनली जो अटकलें लग रही थी, परसों हमने आपके साथ जानकारी भी साझा की थी कि भाई हो सकता है मंडे तक जो है ये अधिसूचना जारी हो जाए या कोई चीज सामने निकल करके आए, तो मंडे तो नहीं लेकिन एक आध दिन बाद ये अधिसूचना यहां पर जारी हुई है, नोटिफिकेशन एक निकली है। क्या उस नोटिफिकेशन में कहा गया है, ये जानकारी हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। किस तरह से ओपीएस दी जाएगी ये आपको बताएंगे। आप इस लाइव स्ट्रीम को शेयर भी जरूर करिएगा। देखिए, इसमें आज की ये नोटिफिकेशन है, इसमें लिखा है ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हु आर प्रेजेंटली बींग कवर्ड अंडर द डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम, ऑल्सो रेफर टू एज न्यू पेंशन स्कीम। जितने भी कर्मचारी अभी तक नई पेंशन स्कीम के तहत आते हैं, अंदर आते हैं, उन सभी को विल बी गिवन बेनिफिट ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम। उन सभी को ओल्ड पेंशन स्कीम का फायदा मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। इसके लिए द फाइनेंस डिपार्टमेंट इज डायरेक्टेड टू नोटिफाई इंस्ट्रक्शंस ओब्लिक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। यानी कि फाइनेंस डिपार्टमेंट यहां पर जो है वो अपनी इंस्ट्रक्शन देगा, और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग जो प्रोसीजर है उसके तहत इसको यहां पर इंप्लीमेंट किया जाएगा, टू इंप्लीमेंट द डिसीजन। तो ये चीज जो ऑल इन ऑल अगर हम बात यहां पर करें तो आपको बताना चाहेंगे कि सरकार ने मूड बना लिया था कि हमने इसे लागू करना है, और इसे यहां पर कह भी दिया था कि भाई ये हो गया है, आज से इसे लागू कर दिया गया है। लेकिन जो आगे हम कह सकते हैं, एक तरह से जो अटकलें चल रही थी या बातें चल रही थी, चीजें चल रही थी, उनको सॉल्व आउट करने में समय लगता है। किस तरह से फाइनेंशियल प्रैक्टिसेस की जानी है, कैसे फंड्स कहां से मैनेज किए जाने हैं, पूरी चीजें हैं वो फाइनेंस डिपार्टमेंट को यहां पर करनी होंगी, और जो सामान्य प्रशासनिक विभाग है उन्होंने मिनट्स ऑफ मीटिंग्स एंड ऑल ये सारे इनको आगे कर दिए हैं। अब इसके बाद फाइनेंस डिपार्टमेंट इसमें इंस्ट्रक्शंस देगा या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग जो प्रोसीजर रहने वाला है इसका, उसके हिसाब से ओल्ड पेंशन स्कीम दी जाएगी। यानी कि अल्टीमेटली फाइनल सॉल्यूशन अगर हम आपकी बात का कहें कि भाई कैसे दी जाएगी, तो वो अभी पता नहीं है यहां पर, लेकिन ये जरूर है कि इसकी नोटिफिकेशन हो गई है कि इसको लागू कर दिया गया है, ये ऑन पेपर ऑन रिटर्न आ गया है। ऐसा होता है कई बार कैबिनेट में कि वायदे कर दिए जाते हैं, बोल भी दिया जाता है, और उसके बाद वो ऑन पेपर नहीं होता है और वो हवा हवाई बातें रहती है। तो फिलहाल ये ऑन पेपर अब आ चुका है, और इस पे अब जो अधिकारी है, आला अधिकारी, वो प्रैक्टिस करना शुरू कर चुके हैं, स्पेशली फाइनेंस डिपार्टमेंट के। अब उम्मीद है कि जल्द, शायद हो सकता है अगले महीने या अगली कैबिनेट या जो भी चीजें हो, तब तक इसे यहां पर प्रैक्टिस कर लिया जाए, और जो सोल्यूशन यहां पर हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी चाह रहे हैं वो उन्हें दे दिया जाए। ये क्विक ब्रेक हम आपके बीच में लेकर के आए थे, आप इसे शेयर भी जरूर करिएगा। कर्मचारियों को बहुत बहुत बधाई दे देना चाहेंगे, आपके काम बढ़िया अच्छे तरीके से बन रहे हैं, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द फ्यूचर। अभी लेते हैं आपसे इजाजत, मैं हूं मनोज ठाकुर, इस लाइव स्ट्रीम पर हमारा साथ दिया निशांत सूद ने।